हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मैं बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। इसको मैं सारे ऐसे गैस पे भून लेंगे। ये दो टमाटर ले लिए हैं, एक बैंगन ले लिए हैं, आज इसका मैं भरता बनाऊंगी। देखिए, इसको बैंगन को ऐसे भून लेंगे गैस पे। ये दोस्तों, बैंगन और टमाटर मैं अब छील ली हूँ भून के, और ये छिलका देखिए निकल गया है। ऐसे ही आराम से एकदम छिलका निकल जाता है भूनने के बाद। अब इसको मैं बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, अब मेरा तेल गरम हो चुका है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। मेरा देखिए तेल गरम हो चुका, अब थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डालूंगी, आधे चम्मच के बराबर। और ये जीरा जब मेरा वो होने लग जाएगा, दो छोटी प्याज काट के ले रखे हैं और तीन हरी मिर्ची, ये इसी में मैं डाल दूंगी। और इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसमें खूब सारा धनिया जाता है, बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि कम लोगों की ज़रूरत, दो तीन लोगों को ही खाना है बस। इसमें खूब सारा धनिया भी आता है। देखिए, अब मेरा ये प्याज गोल्डन हो चुका है, और इसमें मिर्ची में मैं डाल दी हूँ हरी वाली, ये भी थोड़ी देर तक इसी में भून लिए। अब इसमें मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट बड़ा चम्मच डाल दूंगी। इसको भी थोड़ी देर तक इसका कच्चापन निकाल देंगे, तो जरा सा इसका कच्चापन निकालेंगे पानी। देखिए दोस्तों, इसमें मैं गरम मसाला डाल दूंगी। इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, इसमें सारे मसाले डाल देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर और ये आधा चम्मच सब्जी मसाला और आधी चम्मच ही हल्दी डालूंगी, क्योंकि मेरी थोड़ा सा ही क्वांटिटी में है इसीलिए। और गरम मसाला आधा चम्मच अभी मैं बाद में डालेंगे, तो थोड़ी देर तक ऐसे चला लेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, इसमें मैं टमाटर डाल दूँ, तो थोड़ी देर तक टमाटर को भी यूज करके भून लेंगे। तो ज्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि ये पहले से थोड़ा भुना हुआ है। इसका पानी मेरे को ड्राई करना है। देखिए, इसको दो तीन मिनट हो चुका है। अब ये बैगन में जो सारा कस करके रख रखती हूँ, ये सारा बैगन इसी में डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। और एक छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे इसमें, और एक चम्मच नमक।
5 मिनट चला के इसको पानी सुखा लेंगे, फिर धनिया डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। अब इसमें मैं हरी धनिया पत्ती डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये मेरा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है। देखिए कितना टेस्टी बना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।